तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो स्पीकर। यहाँ इसका जो चार्जिंग पॉइंट था वो टूट गया है, इसलिए मैंने सेल के दो वायर इधर से निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। इधर अप्रोक्स 3 वोल्ट आ रहा है, मैं आपको चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर 3.50 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसे चार्जिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इधर से हमें कोई दूसरा चार्जर लगाना पड़ रहा है, तो इसकी जगह मैं ये सर्किट का यूज़ करने वाला हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, ये चार्जिंग मॉड्यूल है, ये लोकल मार्केट में आपको आराम से 40-50 रुपये का मिल जाएगा फ्रेंड्स। मुझे 40 रुपये का मिला है फ्रेंड्स। और इधर आप देख सकते हैं बैटरी प्लस लिखा है, उधर मैंने रेड वाला सिरा ज्वाइंट किया है फ्रेंड। और इधर बैटरी माइनस लिखा है, उधर मैंने नेगेटिव वाला सिरा ज्वाइंट करके दिया है फ्रेंड्स। और इधर आप 5 वोल्ट का कोई भी चार्जर लगा सकते हो। तो अब मैं इसे निकाल लेता हूँ यहाँ से फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से निकाल लिया है, और ये जो आप दोनों सिरे देख रहे हैं वो बैटरी के ही है फ्रेंड्स। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इस दोनों सिरों को निकाल लेंगे और इधर ये वाले दो सिरे फिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको फिक्स करके भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे खोल के ऐसे निकाल लेंगे, और ये स्पीकर मुझे लोकल मार्केट में सिर्फ 70 या 80 रुपये का मिला था फ्रेंड्स। अब हम ये वाला इधर फिक्स कर लेंगे, और अब मैं ये दोनों सिरे हटा दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी इसके सिरे लंबे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम शोल्डर की हेल्प से इन दोनों सिरे को हटा, ये दोनों सिरे इधर जॉइंट कर देंगे फ्रेंड्स। आप प्लस और माइनस का ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। देखिए फ्रेंड्स, इधर माइनस की निशानी आ रही है, इसका मतलब हमारा पीला वाला जो है वो प्लस है, और ये ब्राउन है वो नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। बैटरी प्लस में हम पीला वाला जॉइंट करेंगे, और बैटरी माइनस में हम ब्राउन वाला जॉइंट कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर सोल्डर फ्लक्स लगा दे रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कनेक्शन कर लिए। अब मैं इस पावर बैंक की हेल्प से आपको इसे चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे ही इसमें लगाता हूँ, इधर रेड लाइट ग्लो कर रही है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, इधर ब्लू लाइट ग्लो करेगी फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शॉप पे यहाँ पे ऐसा सॉकेट लगाए, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली भी आता है, और वो ज़्यादातर चलता भी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सिर्फ 30-40 रुपये में हमारा चार्जिंग पॉइंट बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे यहाँ फिक्स कर ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्पीकर में कहीं भी फिक्स कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी वजह से, इस सर्किट की वजह से इसकी साउंड क्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्रेंड, जब भी स्पीकर चालू हो तब इसे चार्जिंग पे आप ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका सर्किट भी बिगड़ सकता है और सेल भी बिगड़ सकता है फ्रेंड्स। तो आप इसे पहले बंद करें, बाद में इसे चार्जिंग पे लगाएं। मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड।